और उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट पर मोहर लगा दी है। अब 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर यह विधेयक रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। समान नागरिक संहिता की दिशा में एक और कदम उत्तराखंड की सरकार ने बढ़ा दिया है। आज जो यूसीसी का ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट को कैबिनेट मीटिंग में लाया गया। इस पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई और उत्तराखंड की धामी सरकार कैबिनेट ने इस यूसीसी ड्राफ्ट पर मोहर लगा दी। अब यह विधेयक की शक्ल में है और यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिस पर अब विधानसभा में चर्चा होगी और फिर सरकार की कोशिश होगी कि सदन से इसको पास कराया जाए। बहुमत के हिसाब से लगता है कि यह विधेयक आसानी से पास भी हो जाएगा। तो उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है, पहली बड़ी खबर यह है। और दूसरी यह कि जो यूसीसी के प्रस्ताव को मोहर लगाने की बात थी, वो औपचारिक तौर पर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। थोड़ी देर के पहले जब महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या पहुंची तो उन्होंने कहा कि जिसको अधिकृत किया गया है वही इस बारे में बताएगा कि आखिर में उस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है या नहीं। लेकिन ये साफ हो गया है कि आज की कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और यूसीसी के प्रस्ताव पर चर्चा हो गई है। थोड़ी देर में अभी मीडिया ब्रीफिंग होगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सरकार ने जिस तरह से पहले ही ऐलान कर दिया है कि 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर यूसीसी के बिल को रखा जाएगा, इससे साफ है कि सरकार की जो मंशा थी पहले प्रस्ताव को ला। तो हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि आधिकारिक रूप से अभी मीडिया ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन जानकारी यही है कि कैबिनेट की इस बैठक में यूसीसी लाया गया और यूसीसी के ड्राफ्ट पर कैबिनेट ने चर्चा की। यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है क्योंकि सरकार ने यह पहले ही बताया है कि 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर इसे रखा जाएगा, इस विधेयक को पेश किया जाएगा 6 फरवरी को उत्तराखंड की विधानसभा में। और उससे पहले जानकारी यह है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट था, जिस समिति ने यह यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा था, उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ देर के बाद आधिकारिक वर्जन भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा और सरकार की तरफ से इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 6 फरवरी को विधानसभा में यह विधेयक रखा जाना है, जहां पर चर्चा होगी, जहां पर इस पर मंथन करेगी विधानसभा। और जानकारी यह है कि उससे पहले कैबिनेट में ये ड्राफ्ट लाया गया यूसीसी का और इस ड्राफ्ट को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस ड्राफ्ट को अपनी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, यूसीसी ड्राफ्ट को उत्तराखंड में मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड सरकार कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट की मीटिंग भी अभी खत्म हुई है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी, कुछ ही देर पहले यह बैठक खत्म हुई है और अंदर से जानकारी यह मिल रही है कि कई मसौदों के साथ साथ यूसीसी का ड्राफ्ट भी इस मीटिंग में चर्चा में लाया गया और उसे मंजूरी मिल गई है। Zini